नमस्कार फ्रेंड्स, श्रीमती जी की रसोई लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं अपना किचन सफाई करने जा रही हूँ, तो मैं अपना किचन क्लीनिंग करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि आ चुका है और नज़दीक आ गया है। तो मेरी सफाई थोड़ा लेट हुई फ्रेंड, लेकिन हो गई है फाइनली। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे किचन के डब्बे बाहर निकाल लिए हैं। तो मैं अपने हॉल रूम में निकाल करके रखा है, और इधर मैंने साबुन पानी लिया है, इधर मैंने टोप में गर्म पानी लिया है। तो ऐसे तो सारे डब्बों को खाली करके और निकाल करके साफ़ अक्सर तो करते ही रहते हैं, जब कोई डब्बा गंदे हो जाते हैं। और अभी मुझे ऊपर से ही सारे डब्बों को मैं साफ़ कर लूँगी, और इधर मैंने गर्म पानी लिया है फ्रेंड, और मैं अपने सारे डब्बों को साबुन डाल दिया है, और गर्म पानी डाल करके साबुन में गर्म पानी डाल करके अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, इसी तरह से मैं अपनी सफाई में लगी हुई हूँ, और इस तरह से मैं उस सारे डब्बों को साफ़ कर लूँगी, और धीरे धीरे साफ़ करके मैं आपको सारे किचन की सफाई का वीडियो दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा फ्रेंड, मैं अपनी पूरी साफ़ सफाई करके आपको आगे का वीडियो भी दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे सारे डब्बों को इसी तरह से एक बार साबुन पानी और एक बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी, पोछ लूँगी फ्रेंड। तो बहुत टाइम लग जाता है, आज मैं सुबह से बैठी हूँ, 10 बजे 10:30 बजे से। तो देखिएगा आप लोग, आगे बने रहिएगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बहू भी हमारे साथ में लगी है। मैं नीचे बैठ करके टेबल, छोटा टेबल लगा करके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से नीचे बैठने नहीं होता है। तो बहू हमारी स्टैंड पे खड़ी हो करके सारे दीवार और जो भी डब्बे रखने का स्टैंड है, वो सब अच्छी तरह से उसने साबुन लगा के पहले धुला और साफ़ किया, और सारे दीवार को भी अच्छी तरह से साफ़ किया उसने। तो हम साथ में दोनों जन लगे हुए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, हमारा किचन बहुत अच्छा है, आज साफ हो गया। आज मन बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही पसंद आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा रोज़ करना चाहिए, लेकिन रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड, क्योंकि किचन हमारा थोड़ा छोटा है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं, मैं आज आपको इसी बहाने किचन भी दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने किचन का पूरा डब्बा सब साफ ऑफ करके फिर मैं सब डब्बा लगा दी हूँ पेपर बिछा करके अलमारियों पर। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरे किचन का व्यू है। तो इधर मसाला रखते हैं, और अचार और जो भी मसाले रहते हैं मैं इस छोटे पटरी पर रखती हूँ, तो पानी से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि पानी का हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए मसालों का स्टैंड अलग से है। तो ये देखिए फ्रेंड, यही हमारा किचन है, बहुत छोटा किचन है, और बाहर की तरफ ये खिड़की है किचन की, और ये सिंक है। इस तरह से सारे डब्बे वब्बे सब धो धा साफ करके मैंने सब रख दिए हैं। अब मैं धीरे धीरे इनको भी जचा लूँगी। इसी तरह से पूरा बर्तन, खाने का भी बर्तन, सब जो भी निकला था सब साफ़ करके सब रख दिया है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरी सफाई हुई है फ्रेंड। थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो मैं कल कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और अभी मैं काफ़ी देर साफ़ सफाई करने के बाद हो गया था, काफ़ी देर हो गया था फ्रेंड। तो अभी मैं नहा धो कर के निकली हूँ,
खाना वीना खा करके मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।